आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमृतसर की फेमस सबकी फेवरेट फिश फ्राई की रेसिपी। मैरिनेशन का ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी फिश ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। ऐसे मसाले का यूज करेंगे हम जिससे हमारी रेसिपी बिल्कुल ही ऑथेंटिक रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर अमृतसरी फिश कैसे बनती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस फिश ली है। यहाँ मैं सुरमई फिश का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी फिश का यूज कर सकते हैं। तो फिश फ्राई बनाने के लिए हमें इसे दो बार मैरिनेट करना है। तो चलिए फिश को मैरिनेट कर देते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और दो चम्मच मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि फिश हमारी बिल्कुल भी टूटे ना। इस मैरिनेशन से क्या होगा ना कि फिश में जो भी चिपचिपाहट होती है, जो भी फिश की अपनी एक स्मेल होती है, वो बिल्कुल ही निकल जाएगी। तो आधे घंटे के लिए इसे मैं मैरिनेट करके रख दूंगी। इन द मीनवाइल चलिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैं सबसे पहले इसमें धनिया डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ, मैं टमाटर और प्याज का यूज़ कर रही हूँ इसमें, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है चटनी में। ये मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। 2 बड़े चम्मच मैं इसमें दही के डाल रही हूँ। नमक डाल देंगे, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डाल देंगे, कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। 1/2 चम्मच मैं इसमें अनारदाना डाल रही हूँ, इसे मैंने दरदरा पीस लिया था। आधा नींबू का रस डाल रही हूँ मैं इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पानी डालने की वीडियो मेरी स्किप हो गई है, तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो चटनी को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी ही बढ़िया हमारी चटनी बनके तैयार हुई है, कलर कितना अच्छा आया हमारी चटनी का और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसे बाउल में डाल देते हैं। तो चटनी तो हमारी बनके रेडी है, तो चलिए फिश फ्राई बनाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए सेकंड मैरिनेशन कर लेते हैं। आधा किलो फिश है तो हम इसमें 3 चम्मच बेसन के डालेंगे, 2 चम्मच हम इसमें राइस फ्लोर के डालेंगे, आधा चम्मच में इसमें अजवाइन का डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, आधा चम्मच हम इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी का डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे और ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसे मैंने क्रश कर लिया था, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, ये डालना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सरसों के तेल से हमारी फिश में बिल्कुल ही ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका हम एक बहुत ही थिक बैटर बनाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह का थिक एक पेस्ट की तरह बना के हमें तैयार करना है। अब हम मैरिनेट की हुई फिश को इसमें डाल देंगे। एक एक करके मैं सारी फिश के टुकड़े इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हल्के से हिलाएंगे और इस तरह से हिलाएंगे कि फिश के पीसेस बिल्कुल भी टूटे ना, क्योंकि फिश बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है। हमें देखना है कि फिश के ऊपर सारे बैटर की कोटिंग अच्छे से हो जाए। बहुत ज़्यादा बेसन का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है। देखिए इस तरह की कोटिंग हमें करनी है, अदरवाइज वो पकोड़े जैसा स्वाद आएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो एक एक करके मैं इसमें फिश डाल रही हूँ। 30 सेकेंड के लिए हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे और 30 सेकेंड के बाद हम इसे हल्के हल्के से हिलाएंगे और एक एक करके हम इसे पलटते जाएंगे। देखिए कितना ही बढ़िया कलर हमारी फिश के ऊपर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें फ्राई करना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम टू लो रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में हमें फिश नहीं डालनी है, अदरवाइज क्या होगा ना, हमारी फिश ऊपर से तो पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस स्टेज में हम फिश को हाफ टन में निकाल लेंगे और 5 मिनट के बाद इसे गर्म तेल में फिर से डालेंगे। तो हाफ टन में मैं इसे निकाल रही हूँ। देखिए सारी फिश को मैंने निकाल ली है, तो चलिए जो बाकी के पीसेस पड़े हैं पहले वो भी फ्राई कर लेते हैं।
अगेन 30 सेकंड के लिए इसे हम नहीं हिलाएंगे और फिर हल्के से हिलाते हुए और एक एक पीस को इसको पलटते जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम रखनी है। तो फिश बनाते वक्त हमें दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो इसमें हमें अजवाइन और कसूरी मेथी का यूज़ ज़रूर करना है। जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं प्लीज़ उसे ज़रूर यूज़ कीजिए, तभी हमारी फ़िश में बिल्कुल ही ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। तो सारी फ़िश को मैंने दो बार अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देखिए फ़िश फ्राई हमारी बनके तैयार है। देखिए कितनी ही लाजवाब टेस्टी हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार हुई है। चाट मसाला डाल देंगे इसमें और मूली और चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।